डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको ध्यान से देखो। आप यहाँ पे डाटा मेनू के अंतर्गत यहाँ पे देखो ग्रुप एंड आउटलाइन ऑप्शन को पढ़ाने वाले हैं। सो ध्यान से देखो, सबसे पहला ऑप्शन दिया है ग्रुप एंड आउटलाइन में ग्रुप। तो कौन से डेटा को ग्रुप करना है, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने मार्क्स लिखा है इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँ और इसे ग्रुप कर दूँ। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप एंड आउटलाइन पर जाके ग्रुप पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप कॉलम वाइज करोगे तो यहाँ पे ग्रुप करेगा, रो वाइज करोगे तो यहाँ पे ग्रुप करेगा। तो आप कोई भी वाइज कर सकते हो, मैं रो वाइज रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखो ये ग्रुप हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब ग्रुप हो गया है, कैसे पता लगेगा ये देखो। जब ग्रुप हो जाएगा तो सारी कमांड क्या होगा, ग्रुप के हिसाब से चलेंगी। डाटा पे जाओ, ग्रुप एंड आउट टाइम पे जाओ, ध्यान से देखो। यहाँ पे हाइड डिटेल पे क्लिक कर दोगे तो डिटेल पूरी की पूरी हाइड हो जाएंगी। देखो कुछ दिखाई दे रहा है नहीं, क्योंकि छिप गई हैं अभी, ठीक है। दोबारा से डेटा पे जाके यदि मैं यहाँ पे ग्रुप एंड आउटलाइन पे क्लिक करके शो डिटेल पे क्लिक करूँगा तो देखो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पे ग्रुप एंड आउटलाइन पे जाऊँ और यहाँ पे देखो जो दिया है आपका अनग्रुप ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये अनग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे देखो जो माइनस ऑप्शन था वो हट गया है। दोबारा से अगर मुझे चाहिए ग्रुप करना है तो मैं इसे ग्रुप पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे तो ये ग्रुप कर देगा। ये देखो ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पे, ठीक है। सो क्या समझ में आ गया आपको, यहाँ पे आप ग्रुप एंड आउटलाइन के भीतर ग्रुप भी कर सकते हो, अनग्रुप भी कर सकते हो, हाइट शो भी कर सकते हो और यहाँ पे ऑटो आउटलाइन भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो, आप यहाँ पे डाटा के भीतर आप यहाँ पे जो ऑप्शन पढ़ रहे थे इसमें ऑटो आउटलाइन ऑप्शन भी दे रखा है, इस पर क्लिक करोगे लाइन को भी हटा सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखो, दोबारा से अगर डेटा पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाके उसे रिमूव आउटलाइन भी कर सकता हूँ। सो आई होप स्टूडेंट्स, आप लोगों को डेटा मेनू के अंतर्गत जो ग्रुप एंड आउटलाइन ऑप्शन था इसके भीतर आपने ग्रुप, अनग्रुप, ऑटो आउटलाइन, रिमूव ऑटो लाइन, हाइट डिटेल, शो डिटेल, इन सभी के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज हो गई होगी। सो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग को डाटा मेनू का कंप्लीट ट्यूटोरियल पढ़ा दिया है स्टूडेंट्स। सो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।